जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आरके शास्त्री ज्योतिष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में है। इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा, भारत और विश्व के लिए क्या रहेगी उथल पुथल, भारत में इस सूर्य ग्रहण का कब रहेगा सूतक, यह ग्रहण कब तक रहेगा, कब होगा ग्रहण शुद्ध, ग्रहण में क्या करें और क्या नहीं करें, अलग अलग राशि वाले क्या करें इस ग्रहण में, ऐसा क्या उपाय करें जिससे हो जाएंगे जीवन के सारे कष्ट दूर 2020 में, और कितने होंगे ग्रहण, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इसके पहले यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य कर लें, और आप चाहते हैं कि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, वर्ष 2020 में 5 ग्रहण हैं, इनमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 3 मानदे चंद्र ग्रहण हैं। लेकिन भारत में केवल एक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा जो 21 जून को है, बाकी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। इसमें से एक चंद्र ग्रहण 5 जून को निकल गया। 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के अलावा बाकी का धार्मिक दृष्टि से भारत में कोई भी महत्व नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का यम नियम सूतक मान्य नहीं होगा। तो आप जानते हैं 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, यह ग्रहण आषाढ़ मास की अमावस्या रविवार 21 जून 2020 को होगा, जो भारतवर्षीय भूभाग के अलावा म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि में भी ये खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। अफ्रीका के अलावा कुछ क्षेत्र ओमान, दक्षिण चीन, ताइवान आदि में, और भारत में ऊखी मठ, देहरादून, चमोली, अगस्त मुनि, झेलम, टेहरी, जगधारी, नंदा देवी, जोशी मठ, रुद्रनाथ, गोपेश्वर आदि में कंकणाकृति यानी कंगन सोने के कड़े के आकार में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का सूतक और इस ग्रहण का समय। तारीख 20 जून 2020 को रात्रि 10:09 से इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा, तथा 21 जून 2020 को यह ग्रहण दिन में 10:09 से प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर 1:36 पर यह सूर्य ग्रहण शुद्ध होगा। यह ग्रहण कुल 3 घंटे और 27 मिनट का होगा। अब जानते हैं यह ग्रहण किस किस के लिए शुभ रहेगा और किस के लिए अशुभ रहेगा। यह ग्रहण महिला, नवविवाहिता, विवाह योग्य बालक और बालिका, उद्योगपति, मंत्री, धर्म नेता, विश्व विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए ये विशेष प्रभार सूचक रहेगा, यानी कि अच्छा नहीं रहेगा, परेशानी वाला रहेगा, इसलिए इनको इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ये ग्रहण मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि मंडल पर रहेगा, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से यह ग्रहण शुभ नहीं रहेगा, इसलिए मिथुन राशि वालों को भी इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए ग्रहण शुभ रहेगा और किनके लिए जो अशुभ रहेगा, वो सब भी मैं डिटेल में बता देता हूं। पहले है मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए ग्रहण कोई भी प्रभाव इसका नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छा है, इनको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जबकि वृषभ, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को ये मध्यम फल वाला रहेगा, लेकिन मिथुन, करक, वृश्चिक और मीन इन 4 राशि वालों के लिए यह ग्रहण बिल्कुल भी शुभकारी नहीं रहेगा,
इन राशि वालों के लिए ये ग्रहण का दर्शन भूल करके भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर पर ही रह करके इष्ट देव की आराधना करें, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करना चाहिए ये भी मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए पहले देखते हैं प्रत्येक राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ रहेगा, धन लाभ होगा, कोई कारोबार है तो कारोबार अच्छा चलेगा, परंतु अपना राशि स्वामी मंगल है इसलिए मंगल के नक्षत्र यानी मृगशिरा में ही यह ग्रहण रहेगा, इसलिए आपको गुस्सा विशेष रह सकता है, गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। देन वृषभ राशि, आपके लिए यह ग्रहण द्विति भाव में हो रहा है इसलिए यह नुकसान और परेशानी वाला रहेगा, कुटुंब और परिवार में अशांति लाने वाला रहेगा। सेकेंड हाउस वाणी का भी होता है इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी के कारण से आपका काम बिगड़ सकता है। इसके बाद मिथुन राशि, ये ग्रहण मिथुन राशि में ही होने जा रहा है इसलिए आपके लिए यह ग्रहण विशेष अच्छा नहीं रहेगा, विशेष रूप से शारीरिक परेशानी, दुर्घटना या अन्य कारणों से परेशानी वाला रहेगा, घर के माहौल में अशांति और कार्य क्षेत्र में भी हानि और परेशानी वाला रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से सूर्य ग्रहण 12वें स्थान पर रहेगा जिसके कारण खर्चे को लेकर के बड़ी टेंशन रहेगी, कोई गैर कानूनी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कोर्ट कचेरी जेल आदि के कारण से विशेष परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो आपके लिए यह ग्रहण बहुत शुभ कारक रहेगा, सिंह राशि से सूर्य देव लाभ भाव में होने के कारण से आमदनी में वृद्धि होगी, खूब धन लाभ होगा, घर में शांति का माहौल बनेगा, यदि नया काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, जीवन साथी से मनमुटाव है तो बहुत अच्छा अवसर है संबंध सुधारने का, दोबारा आपस में जो वार्तालाप प्रारंभ करें, बिगड़े हुए काम बनेंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए भी यह बहुत अच्छा रहने वाला है। अब कन्या राशि, कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छी और खुशी लेकर के आ रहा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके अभी जो परेशानियां चल रही है वे सब खत्म हो जाएगी, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी से यदि मनमुटाव है तो खत्म हो जाएंगे, संतान का सुख मिलेगा और संतान की तरक्की होगी, जिनकी संतान विवाह योग्य है तो उनके विवाह में विवाह भी जो अड़चने आ रही है विवाह में वो सब दूर होगी, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये बहुत शुभकारी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण सामान्य रहेगा, भाग्य वृद्धि में कमी होगी, जो काम आसानी से हो सकते हैं वे भी कुछ कठिनाई से होंगे, विशेष टेंशन वाला कार्य नहीं करें और ऐसा काम भी नहीं करें जिससे मान सम्मान में कोई कमी आ जाए। देन अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि से 8वें हाउस में सूर्य देव हैं इसलिए यह ग्रहण आपके लिए बिल्कुल भी शुभदायक नहीं रहेगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं, 8वां स्थान मार्ग स्थान कहलाता है इसलिए आप विशेष सावधान रहें, लेकिन विशेष टेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं है, यदि आपकी कुंडली में समय अच्छा चल रहा है तो कोई कष्ट विशेष नहीं होगा, फिर भी सूर्य ग्रहण को आप बिल्कुल भी नहीं देखें, आगे मैं कुछ उपाय बता रहा हूं वो भी आप करें। देन धनु राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि से सप्तम स्थान पर सूर्य देव है इसलिए आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, विवाह में या वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानियां क्रिएट हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखें, उसे कोई टेंशन या परेशानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा, यदि कोई कोर्ट कचेरी या शत्रु पक्ष से कोई परेशानी चल रही है तो उसमें सफलता मिलने वाली है, सभी जगह विजय होगी, कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं, आपके मकान प्रॉपर्टी और वाहन आदि का भी योग बनेंगे। देन अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण सामान्य रहेगा परंतु संतान पक्ष से विशेष परेशानी बन सकती है, संतान के पढ़ाई या नौकरी से संबंधित कोई टेंशन,
विवाह से संबंधित कोई टेंशन या संतान के गलत रास्ते पर चलने या गलत हरकतों के कारण से परेशानी बन सकती है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट या किसी चिट फंड कंपनी में पैसा नहीं लगाएं, नहीं तो पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब लास्ट मेन राशि वालों के लिए सूर्य देव और राहु देव दोनों ही चौथे स्थान पर रहेंगे, तो आपके लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष शुभ नहीं रहेगा। इसके प्रभाव से घर का माहौल खराब हो सकता है, घर में अशांति पैदा कर सकता है, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके आपस में मतभेद हो सकते हैं, माता जमीन मकान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद या परेशानी पैदा हो सकती है, समाज में बदनामी हो सकती है, कई प्रकार की परेशानी इस ग्रहण के प्रभाव से क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने सभी 12 राशियों पर होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव के बारे में बता दिया है, लेकिन दोस्तों यदि आपकी राशि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो घबराने या टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसके उपाय करें। देखिए, ये ग्रहण काल तो बहुत ही अच्छा सुअवसर होता है साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, जीवन में वृद्धि के लिए। तो दोस्तों, मैं कुछ उपाय और मंत्र आदि बता रहा हूं जिन्हें आप सभी राशि वाले कर सकते हैं और आगे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का असर तो केवल विशेष रूप से महीने भर के लिए रहता है, परंतु ग्रहण में किया गया उपाय मंत्र साधना जीवन को उत्कृष्ट बना देती है, सुखमय बना देती है। तो कुछ खास उपाय है जो मैं बता रहा हूं, ये उपाय किसी भी राशि वाले कर सकते हैं। नंबर 1, सूर्य ग्रहण के समय गंगा आदि पवित्र नदियों में या पवित्र सरोवर में नाभि तक पानी में खड़े होकर के या किनारे पर गायत्री मंत्र का जाप करें, या गणेश अथर्व शीश का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आदित्य अर्घ्य स्तोत्र का पाठ है, या फिर जो है अपराजिता स्तोत्र पाठ करें। इसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है मां मृत्युंजय मंत्र जाप, यह भी बहुत लाभदायक रहेगा, यह भी किसी भी राशि वाले कर सकते हैं। तीसरा, आप हमेशा जो भी मंत्र का जाप करते हैं वह ग्रहण काल में करें, वह सिद्ध हो जाएगा, या किसी विशेष कामना पूर्वक कोई मंत्र है उसका जाप करके उसको सिद्ध कर लें। चौथी बात, अपने मन इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। पांचवी बात, यदि आपके कुंडली में ग्रहण योग है या पितृ दोष है तो उस दिन इसकी शांति करवा सकते हैं। तीर्थ स्थान पर किया गया मंत्र जाप अनंत गुणा होता है। श्री वेद व्यास जी के वचन के अनुसार चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म जप ध्यान दान ये सब 1,00,000 गुणा और सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म जो है वो 10,00,000 गुणा फलदायी होता है। इसलिए जप ध्यान मंत्र जाप तीर्थ में हो सके तो सबसे बढ़िया है, नहीं संभव हो सके तो घर पर करें। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंद को जो वस्त्र दान अन्न दान इत्यादि अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य करें। अब मैं बात बताता हूं सूर्य ग्रहण में क्या करें और क्या नहीं करें। सूर्य ग्रहण के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे सूर्य ग्रहण के समय जल पीना, भोजन करना, मल मूत्र त्याग करना ये निषेध है, लेकिन रोगी, वृद्ध, बालक और गर्भवती महिला को कोई दोष नहीं है। ग्रहण से पहले पानी, भोजन सामग्री इत्यादि जो भी चीजें हैं उसमें डाब यानी कुसा या तुलसी पत्र डाल दें। ग्रहण के समय तुलसी के पौधे या देव मूर्तियों का स्पर्श नहीं करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलें, लेकिन वे फल, पानी, दवा आदि ले सकती है, परंतु कोई भी काटने वाली चीज जैसे चाकू आदि या सिलने वाली चीजें जैसे सुई आदि को भी नहीं छुएं, बाहर नहीं निकले, ग्रहण होते हुए सूर्य को नहीं देखें। पांचवी बात, ग्रहण काल में बाल और नाखून काटने से बचें, सिलाई कढ़ाई भोजन पकाना खाना आदि कार्य से घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। ग्रहण काल में शयन और स्त्री प्रसंग भी नहीं करें। तो दोस्तों, ये थी सूर्य ग्रहण के संबंधित विशेष जानकारी, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें और बताएं, लाइक करें, अन्य दोस्तों को भी और ग्रुप में भी शेयर करें। आप सबका मंगल हो,
आपका आने वाला समय सुख समृद्धि वाला हो, सुखमय हो, जीवन आपकी जो है ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।